इनका जन्म मतलब इनका शासनकाल 1526 से लेकर 1530 तक चला था। बाबर का जन्म फ्रांस और वियना फर्गना में हुआ था। वैलेंटाइन डे कब आता है? 1483 में हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, माता का नाम कुतलुब निगार बेगम, इनकी दादी का नाम आयशा दौलत बेगम था। इन्होंने इनका राज्य अभिषेक 1194 में 11 वर्ष की आयु में हुआ था। 1494 में 11 वर्ष की आयु में। और इनको बाबर के दो तोपजी थे, मुस्तफा अली उस्ताद अली। बाबर ने चार युद्ध किए, पानी पिया, खाना खाया, घर चला गया और फिर मर गया। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजय हुए। उसके बाद बयाना युद्ध भरतपुर में गंभीर नदी राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ, जिसमें राणा सांगा बयाना सही है। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा और फिर बाबर के मध्य, इसमें बाबर विजय हुए। और राणा सांगा के हारने का कारण कई प्रकार से था, उनके दो विश्वासघाती सेनापति, एक तो खान दादा नागौर वाला और दूसरा सिलादी तवर बहुत बढ़िया सराहने का आया। और गौतम, गौतम आया, आजा आजा लाया तो तू आजा, बाकी चुप हो जाओ। हेलो गाइस, क्या चाहिए सभी? ठीक है सब? अभी आपके साथ दुर्घटना होने वाली है, बहुत बड़ी। सर खड़े हैं यहाँ पे, सबको बुलाएंगे जो कोने में छुपके बैठे हैं। बुल्लो खान खोजे, अब सुनते हैं जहांगीर का। जहांगीर का सुनाओ। आप इसको ऐसे लगा के सुना अंग्रेज ऐसे, ठीक है? अब बोले रख, और ज़्यादा हिलो डुल्लो नहीं बिता बिता पड़ेगा। बराबर बोल। जहांगीर 1605 से 1627 तक, उसका जन्म उसके पिता का नाम अकबर था, उसकी माता का नाम उसकी माता का नाम भरगा भाई था, और उसका जन्म शेखू सलीम
शीरती की कुटिया फतेहबाद सीकरी में हुआ था और इसका और जहांगीर मंदिरों का अत्यधिक सेवन करता था और इसका राज्याभिषेक के बाद 12 घटनाओं की घोषणा करी थी और आमेर के किले के पास से 7 घाटियों की जंजीर बनवाई थी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। इनके पिताजी का नाम उमर शेख मिर्जा था और इनकी माता का नाम कुतलुक निकार बेगम था। इनकी दादी का नाम एहसान दौलत बेगम था और इसके बाद में हो गया ये इनका राज्य सेवक 1494 ईस्वी को 11 साल की उम्र में हुआ था और इन्होंने 504 ईस्वी में कावल को जीता था। इसके बाद में 507 ईस्वी में ये इन्होंने मिर्जा की उपाधि त्याग कर वासा की उपाधि हासिल की थी। इसके बाद में ये भारत में आते हैं और भारत में आकर के भारत में सर्वप्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजरे के खेत में किया था, यानी कि बाजर का युद्ध किया था। अब इनको बाजरे के खेत में सामने सेना तो दिखाई नहीं दे रही थी तो इन्होंने तीर के बजाय बारूद फेंके थे तो सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया गया था। इनकी तीन पत्नी थी। एक पत्नी ने गुलाब दिया था इनको, इसलिए उसका नाम इन्होंने गुलरुख बेगम रख दिया था। दूसरी ने दिल दिया था तो उसका नाम दिलदार बेगम रख दिया था। तीसरी इत्र का बहुत ज़्यादा प्रयोग करती थी, सेंट लगाती थी तो उसमें से महक आती थी, इसलिए उसने उसका नाम माम बेगम रख दिया था। इसके बाद में बाबर के 4 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में और इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। इसके बाद में सेकंड युद्ध होता है, इसका मतलब 5वां युद्ध था। पानीपत का 1st युद्ध, बाबर का 5वां युद्ध था और इसके बाद में खानवा का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में। इसमें इससे पहले खानवा से पहले बयाना का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में। बयाना का युद्ध भरतपुर में होता है और इसमें सांगा की जीत होती है और बाबर की हार होती है। इसके बाद में 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है, इसमें मेरे को पता नहीं था। उसके बाद में 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध होता है, चंदेरी MP में पड़ता है और इसमें मेदिनी राय की हार हुई और बाबर की जीत होती है। इसके बाद में 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध होता है, इसमें महमूद लोदी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। इसने जो आराम बाग बनवाया था आगरा में, इसको आराम बाग में थोड़ी देर के लिए आराम करवाया, उसके बाद में काबुल में ले जाकर दफना दिया था। थैंक यू गाइस, बहुत बढ़िया। हुमायूं है 1530 से 1556 से, जब इसके पिता बाबर की मृत्यु हो जाती है 30 दिसंबर 1530 को इसे उत्तराधिकारी बनाया जाता है। इसमें इसके पिता का नाम था बाबर और इनकी माता का नाम था माहम बेगम और इनके जो भाई थे उनका नाम था, एक का तो हिंदाल था, एक का अस्करी और एक का था कामरान। जो हिंदाल था उनको जो राज्य दिया गया था मेवात, अस्करी को दिया गया था संबलपुर और कामरान को दिया गया था कंधार और काबुल। इनका जन्म भी काबुल में ही हुआ था हुमायूं का। उसके बाद थे ये जो ज्योतिष विद्या थे इनको बहुत ज़्यादा मानते थे, जैसे कि शनिवार को काले कलर के कपड़े पहन लिए और रविवार को पीले रंग के पहन लिए और सोमवार को जैसे सफ़ेद रंग के पहन लिए। हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली, लेकिन रियल में ये अभाग्यशाली था।
उसके बाद इन्होंने कुछ अभियान किए थे, जैसे 1531 के अंदर किया था कालीजन का अभियान, जो कि रुद्रदेव प्रताप थे, देवराय प्रताप उनके खिलाफ किया था। बहुत सारे मंदिरों को भी तोड़वाया था इन्होंने। फिर उसके बाद 1532 में इन्होंने किया था चुनार का घेरा किया था इन्होंने, ये शेरशाहसूरी के खिलाफ किया था, शेरशाहसूरी के खिलाफ करने के बाद, और ये रोहतासगढ़ बिहार में किया था। उसके बाद इन्होंने 1532 के अंदर दोरिया का युद्ध किया था, जिसमें ये मेरे याद नहीं आ रहा दोरिया का युद्ध कहाँ पे किया था, हुमायूं और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इन दोनों के बीच में, और तो बात करनी है यहाँ पे, 1532 का हो गया, मैं कब बात कर रहा था। और इन्होंने कुछ युद्ध किए थे, अभियान चलाए थे, जैसे सबसे पहले चलाया था 1535 के अंदर चलाया था मंदसौर का युद्ध, इसके बीच में हुआ था, और बहादुर शाह जफर के बीच में हुआ था, पीछे रह गया। बहादुर शाह जफर ने है ना 1533 के अंदर चित्तौड़गढ़ में आक्रमण किया था, जो इनका पहला शाखा था। दूसरा शाखा उनका हुआ था 1534 के अंदर राजस्थान शिक्षा बोर्ड के अकॉर्डिंग 1535 में हुआ था, जहाँ की वहाँ की जो रानी थी कर्मावती कर्णावती, उन्होंने वहाँ पर जौहर किया था, और केसरिया किया था बांग सिंह ने, जो प्रतापगढ़ देवलिया का था। और उसके बाद मंदसौर का युद्ध हो गया, मंदसौर में बहादुर शाह जफर और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं जीत गया और बहादुर शाह जफर हार गया। उसके बाद हुआ था 1539 के अंदर, 29 जून 1539 के अंदर हुआ था चौसा का युद्ध, जिसमें शेरशाहसूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें जो हुमायूं था वो हार गया था, और शेरशाहसूरी की जीत हुई थी, जिसमें ये गंगा नदी में मरने के लिए चला गया था, और वहाँ पे एक बिस्ती था जिसका नाम था निज़ाम खां बिस्ती, उसने उसकी जान बचाई थी, और एक दिन के लिए उसने बादशाह बनाया था, जिसने उसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। और इसमें कुछ वंशज ने भी जैसे चांदी के, सोने के और शीशे के चिश्ते चलाए थे, तो सिक्के पहले जैसे सोने के हो गए तो वो कुषाण वंश ने चलाए थे, और चांदी के हो गए वो क्या नाम था उसका, शीशे के चलाए थे सातवाहन ने, चांदी की मुझे याद नहीं आ रही, हाँ गुप्त वंश ने चलाए थे। और हमारे राजस्थान के जो सबसे प्राचीन सिक्के थे वो जैसे आत हो गया, पंचकर्म हो गया, और पंचमार्क हो गया, और जो सिक्कों के अध्ययन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमेस्टिक्स बोलते हैं, और जो जैसे हमारे पास अभिलेख हो गए उनके अध्ययन को हम बोलते हैं एपिग्राफी। उसके बाद इन्होंने युद्ध किया था 1540 के अंदर, 1540 में इन्होंने किया था हाँ बिलग्राम का या कन्नौज का युद्ध, जिसमें शेरशाहसूरी हुमायूं का हुआ था, फिर से शेरशाहसूरी जीत गया, हुमायूं हार गया, फिर वहाँ से वो मारवाड़ चला गया, मारवाड़ में वो गया जोगी तीर्थ, जिसमें जो राव मालदेव था मारवाड़ का, उसने उसकी जैसे सूखे मेवे दिए या कुछ आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी। उसके बाद वो वहाँ से चला गया वो ईरान चला गया, वहाँ पे इनके जो भाई थे हिंदाल, उनके आध्यात्मिक गुरु थे मीर अली, उनकी जो बेटी थी हमीदा बानो बेगम, उनसे उन्होंने विवाह कर लिया। और उसके बाद हमारे पास एक आती है, दो डेट है, एक तो 15 अक्टूबर 1542 है, जिसमें हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है, विद्यार्थी दिवस, जो अभी जो अब्दुल कलाम के नेतृत्व में है, और इसमें अकबर का जन्म हुआ था 20 साल के महर में अमरकोट पाकिस्तान के अंदर, और एक 16 अक्टूबर है जिसमें विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। थैंक यू, बहुत बढ़िया।